स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कोरबा का सबसे पहले जिक्र करते हैं। यहां तेज बारिश के साथ ही जमकर ओले गिरे हैं। करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीर, बर्फ की चादर पूरी तरह से बिछ चुकी है। यहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। ओलावृष्टि हुई है, तेज बारिश हुई है और कहीं ना कहीं भले गर्मी रात मिली है पर किसानों को बड़ा नुकसान यहां पर माना जा सकता है। फसलें चूंकि खराब, बेमौसम बारिश है ये, तो फसलें खराब होने की आशंका पूरी किसानों के द्वारा जताई जा रही है। कोरबा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। ओलावृष्टि हुई और तेज बारिश यहां पर देखी गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और तेज हवाओं के साथ ही बारिश हुई। बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसने किसानों की इस वजह से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। अलग अलग तस्वीर आपको दिखाती हैं, तीन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि देखिए किस तरह का हाल अलग अलग जगह का हो चुका है। अंबिकापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बलरामपुर की देख रहे हैं, पिंडरा की देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश और ओलावृष्टि, जिस वजह से किसान भी परेशान। हालांकि गर्मी से राहत पर किसान पूरी तरह से यहां पर परेशान होते हुए नजर आए हैं। ओले गिरे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज हवा, आंधी और तेज बारिश और अलग तस्वीरें तीन आपको दिखाते हैं। देखिए कवर्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला। बिजली कड़क रही है, काले बादल दिखाई दिए। सूरजपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी बारिश हुई है, साथ ही साथ ओलावृष्टि हुई है। अंबिकापुर में भी तेज बारिश की तस्वीरें, झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब जिक्र राजनांदगांव का। कांग्रेस नेता का भूपेश बघेल पर आरोप है। सुरेंद्र दाऊ ने मंच से अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल भूपेश बघेल पर उन्होंने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। 5 साल नहीं किया कार्यकर्ताओं का काम, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस की सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ। मेरी बात बुरी लगे तो पार्टी से निकाल दो। ये बड़ी बात राजनांदगांव में कांग्रेस नेता करते हुए नजर आए और भूपेश बघेल, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, इन पर गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई बात माने की तवज्जो नहीं दी गई। सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता। आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी का, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ चिट्ठोगढ़ 500 कार्यकर्ता उठ के कही दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे बता दे, मैं मन से उतर के चल दू। कोई नहीं करी हमन दुख तकलीफ और घर के, अगर बहु बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखने मिली, या नया फोटो देखने मिली। 5 साल पहले हमारे नवा फोटो देखने मिले, एक ढंग के फोटो देखने मिले। वो नेता कहा है? और अतेक बड़का नेता है, 5 जन जो क्या कहते विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बोला आप लोग चुनाव किसने व्यक्ति है कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बाप कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग मोर निष्कासन के अधिकार है, आप मोर निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम कर। महादेव सट्टा ऐप केस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। भूपेश बघेल पर एफआईआर को लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। भूपेश बघेल पर बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। बीजेपी का कहना है कि अपने ही बुने जाल में भूपेश बघेल फंस गए हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप जिसे खूब भुनाया गया विधानसभा चुनाव के दौरान, और कहीं ना कहीं एक ये भी कारण रहा करारी हार का कांग्रेस की, और अब जब लोकसभा चुनाव है तब भी कहीं ना कहीं इसे भुनाने का काम पूरी तरह से बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और कई सारे गंभीर आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है ये साजिश है बीजेपी की। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी, जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते? और उधर कांग्रेस ने भूपेश बघेल का बचाव किया, साथ ही बीजेपी पर साजिश करने और भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए। सुनिए, का राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है, इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था, अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, सीएसी की बैठक कांग्रेस की होने वाली थी आज, जो कि टल चुकी है। अब कल ये सीएसी की बैठक होगी। दरअसल बड़े नेताओं के मुंबई में होने पर यह बैठक टाल दी गई है। बैठक में दो चरणों के लिए उम्मीदवार तय हो सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि आज बैठक हो जाती तो कल तक शायद नामों का ऐलान हो जाता या आज ही हो जाता, पर अब चूंकि बैठक चुकी है, कुछ नेता मुंबई में हैं और चर्चा मंथन शायद हो नहीं पाया, एक साथ मुहर नहीं लग पाई, और अब जो है सीसी की बैठक कल होगी और कल ही हो सकता है नामों का ऐलान हो जाए। जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों का ऐलान कल संभव है, कल या परसों में, पर बैठक कल होगी। आज की बैठक टल चुकी है, जिस बैठक में मुहर लगनी थी, फाइनल मुहर लगनी थी, अंतिम मुहर लगनी थी नामों पर, आज वो नहीं लग पाएगी। आज सीसी की बैठक नहीं हो रही है, कल होगी। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बाकी बची 5 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में नए चेहरे और अनुभवी नेताओं के नाम होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हो सकता है कि आज शाम को, कल तक कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित करेंगे। कांग्रेस ही नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है या दीगर दलों ने? पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है, तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही उसके सूचियां आ रही हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस के लिस्ट में हो रही देरी पर चुटकी ली। धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, कांग्रेस जिनको भी अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, कोटा पूरा करने के लिए कांग्रेस मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रही है। इस चुनाव को, हार को स्वीकार कर ली है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो प्रत्याशी का टोटा पड़ा हुआ है। जिनको प्रत्याशी बनाने के लिए मैदान में जा रहे हो, प्रत्याशी बनना नहीं चाह रहे हैं, एन के एन प्रकारण कोटा पूरी करने के लिए वो प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। एक तरफ हमारे भाजपा के प्रत्याशी जनता से आशीर्वाद लेने के लिए गलियों में घूमना शुरू कर दिए हैं, शहरों में वार्डों में जा करके वोट मांगना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास में प्रत्याशी ही नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 29 के चुनाव में वो तैयारी करेंगे, ये चुनाव उनके हाथ से निकल गई है, अंतर्मन से कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। होली के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री भी छत्तीसगढ़ में कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर से दौरे की शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें कि बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जांजगीर चांपा का जिक्र करते हैं, यहां पर कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। सख्ती में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ये शामिल हुए राजा धर्मेंद्र सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिदेव, मंत्री ओपी चौधरी इस दौरान मौजूद रहे। इसके लिए हम सबको काम करना है,
जांजगीर चांपा में पूर्व विधायक केशव चंद्रा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और वित्त मंत्री की मौजूदगी में केशव चंद्रा ने बीजेपी में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर कांग्रेस उम्मीदवारों पर निशाना साध रही है। कांग्रेस भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रही है। बीजेपी ने कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना बहंत का पोस्टर जारी किया, उन्हें लापता बताया था, और कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया। बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे पर तंज कसा है। ये दो तस्वीरें देखिए, बीजेपी ने वार किया तो कांग्रेस ने पलटवार किया। पहले बीजेपी ने यह पोस्टर जारी किया और उसके बाद अब जो है कांग्रेस ने पलटवार किया है ये पोस्टर जारी करके। तो पोस्टर वॉर का सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। जिस तरह से बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, एक एक कर सारे जो उम्मीदवार हैं उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से मैदान में, उन सभी का पोस्टर तैयार किया जा रहा है और इसी तरह से पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आज कांग्रेस ने भी पलटवार किया है पोस्टर के जरिए और सरोज पांडे पर तंज कसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक्र अंबिकापुर का, जहां बृहस्पति सिंह का कांग्रेस में विरोध तेज हो चुका है। अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष ने पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की कांग्रेस में वापसी पर विरोध किया और कहा कि कांग्रेस में बृहस्पति सिंह की वापसी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सिंह ने हमेशा ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा है। इसमें आते हैं तो कुछ लोग उनके साथ साथ काम न कर पाए, कुछ लोग या तो घर में बैठ जाएंगे या कुछ लोग मेरे को लगता है कि अब किनारा कर लेंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये केवल चर्चा की बात रह सकती है कि कांग्रेस पार्टी बृहस्पति सिंह को लेगी, और अगर लेती है तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। मैं अपनी बात पार्टी फोरम पर जरूर रखूंगा, जब भी पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं अपना इनपुट उनके सामने दूंगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में होगा। बस्तर समेत सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा का चुनाव होगा। यहां 200 मतदान केंद्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की 400 कंपनियों को तैनात भी किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से चुनाव की निगरानी भी की जाएगी। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद दी है। चुनौती से कम नहीं, और अगर छत्तीसगढ़ की बस्तर की बात हो, माओवाद प्रभावित क्षेत्र की बात हो, तो अलग ही चुनौती होती है। किस तरह की चुनौती है चुनाव, और उसे शांतिपूर्ण तरीके से और इसके साथ ही साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग कितनी मुस्तैद है, हमारे बीच मौजूद हैं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीरेश महादेवन क्षीर सागर सर। हम बात करेंगे सर, बस्तर में किस तरह की पूरी तैयारी की गई है निर्वाचन को लेकर? इसमें बस्तर जो हमारा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, तो उसमें जो तैयारी पूरी हुई है उसमें खास तौर पे जो संवेदनशील क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र के जो हमारे कुछ मतदान केंद्र है उनको जो हमारा सेफ लोकेशन के यहाँ शिफ्ट करने की कार्रवाई जो भारत निर्वाचन आयोग के परमिशन के द्वारा होती है, वो भी लगभग इस तरह से 200 जो बूथ है उनका शिफ्टिंग भी पूरा उसको मान्यता ले लिए है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके बारे में बताया है। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ चुनाव कराने के लिए सिक्योरिटी भी आवश्यक है और उसमें इंसिडेंट फ्री चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो जो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जो कंपनीज़ है वो भी उनकी भी कुछ दिनों में हमको अवेलेबल हो जाएंगी। वो कुछ जो अंदरूनी क्षेत्र जो है बहुत सेंसिटिव है उनके लिए हम को एयर लिफ्टिंग और एयर ड्रॉपिंग करने की भी, हेली ड्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहती है। पूरी तरह से निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर के संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके साथ ही साथ व्यापक तैयारियां हैं वो की गई है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़।
और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां एफएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कार से 7,95,000 कैश जब्त किया गया और ये वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी टीम बनाई गई है जो लगातार सक्रिय है और अब आचार संहिता भी चुकी लग चुकी है, उसके बाद प्रशासन की सक्रियता भी लगातार देखने को मिल रही है। जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है और इसी बीच कार से 7,95,000 रुपए कैश जब्त किया गया। उधर कवर्धा में फर्जी वोटर्स की तलाश की जा रही है, पुलिस ने पोस्टर भी जारी किए हैं। वोटर लिस्ट में दर्ज फर्जी वोटर्स के पोस्टर जारी किए गए हैं पुलिस के द्वारा और इनाम का ऐलान भी इस पर किया गया है। लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, इसे चस्पा किया गया है पुलिस के द्वारा और फर्जी वोटर्स की तलाश पुलिस कर रही है। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज की मांग है कि अब तक कई आदिवासियों की मौत हो चुकी है, फायरिंग में आदिवासियों के मारे जाने के आरोप लगा रहे हैं ये और न्याय ना मिलने पर चुनाव बहिष्कार की इनके द्वारा बात भी कही गई है। ये इकट्ठा हुए हैं और चुनाव बहिष्कार की बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि कई सारी मौतें अभी तक हो चुकी हैं, कई सारी मांगे भी हैं इनकी और इसी को लेकर के ये कई सारे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के निवासी कहाँ जाएंगे? एक तरफ नक्सली मुखबिर के नाम से मारता है और एक तरफ इस सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से यहाँ घटना हुई है, लोगों को देखते साथ गोली मार रहे हैं। सिर्फ ये कहता है कि ये मैंने क्रॉस फायरिंग में मारा गया है कहकर जाए, जबकि हमारी हर जांच टीम में आ रहा है कि कहीं भी ऐसा क्रॉस फायरिंग नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी एक रटे रुटा एक बना करके प्रतिवेदन दे करके शांत किया जा रहा है। जांच के नाम से इन लोगों ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर। रायपुर में बैंक कर्मचारी के घर पर चोरी हुई है। वॉशिंग मशीन में रखे हुए थे गहने जो पार कर दिए गए। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई। टिकरापारा थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। बैंक कर्मचारी के घर पर चोरी की यह पूरी वारदात हुई। दरअसल उनके घर पर वॉशिंग मशीन में गहने रखे हुए थे जिसे चोरों के द्वारा पार कर दिया गया। गरियाबंद में युवती की हत्या की गई है। धारदार हथियार से मौत के घाट युवती को उतार दिया गया। गांव में दौड़ाकर युवक ने हत्या की। दरअसल गांव में हत्या की वजह से हड़कंप भी मच गया और हत्या के बाद आरोपी फरार भी हो गया। फिलहाल पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी है, तफ्तीश में जुटी है। और रायपुर में जीएसटी टीम ने दबिश दी है। सनशाइन कंपनी पर छापा मारा गया है। रायपुर दुर्ग समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जीएसटी चोरी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें आपको, जीएसटी टीम ने दबिश दी और सनशाइन कंपनी पर छापा मारा गया। रायपुर दुर्ग समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जीएसटी चोरी की शिकायत मिली थी जिसके बाद ये बड़ी छापामार कार्रवाई। और अब जिक्र रायपुर का, जहां बाइकर्स की टोली ने खतरनाक ढंग से स्टंट किया है और उसका वीडियो भी सामने आया। नवा रायपुर की यह घटना काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि 20 से ज्यादा युवा खतरनाक ढंग से स्टंट कर रहे हैं। हालांकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इन युवाओं ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिसके बाद यातायात पुलिस की नजर वीडियो पर पड़ी और इसी आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। और पूरे देश में होली के त्यौहार को भले ही अभी हफ्ते भर का समय है, लेकिन धमतरी का सेमरा गांव ऐसा है जहां एक हफ्ते पहले ही होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल यहां पर ऐसी मान्यता है कि ग्राम देवता सरदार में गांव में खुशहाली के लिए स्वप्न में दर्शन देकर सारे पर्व 7 दिन पहले मनाने के लिए कहा। इसके बाद से ही दीपावली, होली, पोला और हरेली जैसे पर्व तय तारीखों से एक हफ्ते पहले मनाए जाते हैं।
और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20।